हेलो माय देर स्टूडेंट्स माय सेल्फ रतिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा ट्वेंटी फोर्स सेवन गाइज आज की वीडियो uh, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेके आई हूँ आफ्टर लुकिंग याद अ कंसर्न जो स्टूडेंट्स रेज कर रहे थे मेरे पास तो वे गॉन डिस्कस दैट व्हाट इज द राइट सीक्वेंस टू फॉलो वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर ग्रेड बी टू

Uh, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले uh, जो स्टूडेंट्स नए हैं और रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ uh, ज़रूर सब्सक्राइब करें डो नॉट फोगेट टू हिट दैट बेल आईकॉन सो दैट यू गेट द अपडेट्स जब भी, भी हमारे सेशंस लाइव होते हैं और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी तो आपके पास फ़ायदा होगा फ्री कंटेंट यूज़ कर पाओगे ठीक है तो चलो चलते हैं फिर मुद्दे पे आती हूँ मैं राइट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं देखो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने पहले एक सब्जेक्ट उठाया फेज वन का वो सब्जेक्ट खत्म किया फिर दूसरा उठाया फिर तीसरा उठाया वो खत्म हुआ फिर फेज टू दैट विल बी अ अट्रैटेजी जहां पे आपको लगेगा अगर आप पहले फेज वन प्रिपेयर करने लगते हो यू विल ऑलवेज बी ना हैसल कि फेज टू के तो मैंने टच भी नहीं किए सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा फेज टू पहले करने लगते हो तो लगेगा कि यार फेज वन तो किया नहीं वॉट डू आई डू विद फेज टू है ना जनविन सी बात है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फेज़ वन फेज़ टू के बीच में बैलेंस बिठाइए और इंटरव्यू की टेंशन अभी के लिए छोड़ दो जो 2025 का पेपर देने वाले हैं वो कर सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से कैसे बाय वर्किंग ऑन द पर्सनालिटी बाय डूइंग वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आई की वेबसाइट पर आपको मिलते हैं या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर रीडिंग यू नो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करके बट जो इसी बार पेपर देने वाले हैं प्लीज़ इंटरव्यू की टेंशन अभी के लिए छोड़ो फेज़ वन फेज़ टू निकालो उसके बाद इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है हम करवा देंगे आपको अभी आती हूं मैं सब्जेक्ट पे देखो तीन चंक्स बना रही हूं मैं आपके लिए फेज वन है पहला है ना जो आपके सब्जेक्ट्स हैं टू है और यहां पे मैं लिख देती हूं कॉमन जो आपको करते ही रहना है दोनों में काम आएगा तो आप तीनों फेजेस में से तीनों चंक्स में से एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ठीक है जी जीए को मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख देती हूँ क्योंकि जीए हम बाद में करने वाले हैं अभी जीए को नहीं छेड़ेंगे और ये जीए जो इसमें कोई ईएसआई का करंट अफेयर्स नहीं है कोई फाइनेंस का करंट अफेयर्स नहीं है ये ओनली जीए है ओनली जीए समझते हो स्पोर्ट्स वाली न्यूज ऑबिचरीज वाली न्यूज अवार्ड वाली न्यूज मूवीज वाली न्यूज वो ओनली जीए ठीक है, है इन सब्जेक्ट्स में से आप एक सब्जेक्ट उठाइए जो भी आपका वीक है सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर करके देख लिया होगा अब तक तो आइडिया लगी गया है तो आप एक सब्जेक्ट को पिक कीजिए लेट्स से आप क्वांट करते हो आप क्वांट को डेडिकेटेड टाइम दीजिए कि मेरे पास 25 दिन का समय है जी मुझे क्वांट खत्म करना है ठीक है फिर अगले 25 दिन रीजनिंग फिर इंग्लिश तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से एक उठाओ वन बाय वन उसको कवर करो बट इसके साथ साथ में आपको ई और फाइनेंस मैनेजमेंट में से एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा इंग्लिश को आप अभी के लिए छोड़ सकते हो बिल्कुल मैं सजेस्ट आपको कर रही करी इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला जो इंग्लिश है ना उसको हम फेज वन के बाद देख लेंगे अगर ये सब्जेक्ट्स हमारे प्रिपेयर होते हैं मेरी आपसे सजेशन है कि एफ पहले उठाना क्योंकि एफ एम इज लाइक मोर थोरिटिकल एंड ई एस में बहुत सारा करंट अफेयर्स होता है तो वो हमारा एनिहो थर्ड स्टेप में प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि मेरा थर्ड स्टेप वही है ठीक है तो अब इसको पहले उठाना फिर आप ई पे आना ठीक है ई तो वैसे लाइक like, मैं आपको मैं ई ही पढ़ाती हूँ कोर्स uh, हो जाए चाहे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ बट स्टिल क्योंकि मुझे पता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट नंबर दिलाने वाला जो बहुत ज्यादा नंबर है वो आपको एफ दिला देगा ईएसआई में जोर लगेगा करंट अफेयर्स में ठीक है तो इनमें से आप एक सब्जेक्ट उठाओ एफ किया उसके बाद आप आ गए ई पे साइमल्टेनियसली चल रहा है ये अगर क्वांट खत्म हो रहा है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जब तक मेरा क्वांट खत्म हो रहा है मेरे को कोशिश कर दिया जाए तो ये तीन सब्जेक्ट्स और ये दो सब्जेक्ट्स एक साथ चलने चाहिए समझ गए आप थर्ड पे आती हूँ अब मैं करंट अफेयर्स की कहानी पे गाइज करंट अफेयर्स जो हैं आपके चलते रहने चाहिए फ्रॉम डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन कौन से ई वाले जो मैं आपको यूट्यूब पे आके पढ़ाती हूँ अगर कोर्स नहीं है तो कोर्स है तो फिर मैं कोर्स में कराती हूँ आपको तो आप ई एस आई करंट अफेयर्स कीजिए फाइनेंस करंट अफेयर्स कीजिए फाइनेंस करंट अफेयर्स मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ आर की नोटिफिकेशन ही होती है मेजरली आर की वेबसाइट ही होती है जिसमें आता है पेपर ई के करंट अफेयर्स की वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है एट्टी परसेंट का पेपर आपका करंट अफेयर्स ड्रिवन होता है स्कीम्स फाइनेंस दस पंद्रह परसेंट की वेटेज रहती है की तो आप ये करंट अफेयर्स करते रहेंगे ये तीन चीजें आपको साइमल्टेनियसली उठा के चलनी है आप ये नहीं कर सकते एक चीज छोड़ दी दूसरी उठा ली अगर आप सिंसियरली क्रैक करना चाहते हो पेपर तो हाँ अगर यह है कि चलो के देखते हैं पेपर अगली बार निकाल लेंगे फिर तो फेज वन पे फोकस करो और कोई एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से कर लो बट इफ यूर सिंसियर एंड यू अ स्ट्रेटेजी जो आपको हेल्प करे इसी इसी डायरेक्शन

कोई टेंशन नहीं तीन चार महीने का बड़े ऐसा पढ़ के जाना क्योंकि पी एस आई फाइनेंस यानी रिपोर्ट स्कीम्स इनिशिएटिव्स तो पढ़ चुके हो थोड़ी बहुत न्यूज बची वो हो जाएंगी कवर नाउ दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी अभी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट फील हो रहा है कि ये ऐसे नहीं मैनेज हो पाएगा इतना टाइम है आप कमेंट करना आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगी ठीक है बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो राइट एज ऑफ नाउ मैं आपको यही बताना चाहती थी uh, आप फोकस कीजिए प्लीज़ करंट अफेयर्स मुझे पता है आप पेन पॉइंट बनने वाले हैं आप लोगों का क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम पढ़ाते हो दिया आपने बहुत ज़्यादा मजा आ गया लेकिन याद नहीं हो रहा क्योंकि याद एक बार में नहीं होगा करंट अफेयर्स आपको रिविजन बहुत करनी पड़ेगी तो यहां पर रिविज़न बहुत करनी है

गो फॉर इट या कोई भी और कोर्स लेना चाहते हो आप सेबी का नाबाद का बैंक का ये यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड वाई सेवन फाइव फोर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट बिलो वीडियो हेल्पफुल थी तो भी जो अच्छा लगा वो भी जो नहीं लगा वो भी ठीक है थैंक यू